इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज में इन चार खतरनाक खिलाड़ियों की हुई टीम इंडिया में एंट्री और इन चार खिलाड़ियों का कटा टीम इंडिया से पत्ता। जी हां दोस्तों, कौन से हैं वो चार धाकड़ खिलाड़ी जिनकी हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया में एंट्री, साथ ही कौन से चार खिलाड़ियों का कटा है टीम इंडिया से पत्ता, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप में मिली कड़वी यादों को भुलाकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब T20 सीरीज में मैदान पर उतरने वाली है। आपको बता दें कि एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा, जहां भारतीय टीम को सुपर फोर में पाकिस्तान और श्रीलंका से हारकर बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। हालांकि अब टीम इंडिया एशिया कप में मिली कड़वी यादों को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहेगी और टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी अंतिम रूप देना चाहेगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर कुल 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला मंगलवार 20 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला शुक्रवार 23 सितंबर को खेला जाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला रविवार 25 सितंबर को खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चार खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, साथ ही चार खिलाड़ियों का पत्ता भी कटा है। तो आइए नजर डाल लेते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जिनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई है, साथ ही कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें कि बाएं हाथ के ओपनर धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में एंट्री हुई है, जबकि KL राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से आराम दिया गया है। वहीं दूसरे खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन की भी भारतीय टीम में एंट्री हुई है, जबकि ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी भी हमें भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं चौथे खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शमी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है वो चार बड़े बदलाव जो हमें भारतीय टीम में देखने को मिल सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।